Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Hope you're all doing well. I'm here to talk about Shein half lashes. So you must have seen them on the website, and I'm sure since not many are aware of it, these are the best half lashes you can use. But you're supposed to put an eyeliner. You cannot use this without an eyeliner. Amazing. And this is with the magnetic lashes that I already showed you before. Look at this. No matter how much you pull it, it will not come out. So it's the easiest way for the beginners to apply eyelashes. Enjoy my video. Allah Hafiz. So basically मार्केट में हर किस्म की लैशेज मिलती हैं, ठीक है ना. ये वाली तो डार्क टोन भी है, क्लियर वाइट भी है. बेसिकली जिनका बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बैंड होता है ना, उसके लिए क्लियर वाइट यूज़ की जाती है. और जो थोड़ा सा थिक बैंड होता है, जैसे कि ये थिक बैंड है, तो इसके लिए आप लोग डार्क कलर यूज़ कर लेते हो, क्योंकि वो लाइनर के तौर पर छुप जाता होता है. तो जहाँ पर आपने बहुत सॉफ्ट सटल लुक देनी होती है, वहाँ पर आप लोग ये क्लियर वाइट करते हो ताकि पता ना चल सके. तो अगर आपने लाइनर नहीं लगाना होता तो ये सब सस्ता माल है. आई थिंक आपको होल सेल में, आप समझ लो 8 dirhams में 1, 2, 3, 4, 5 पीसेस भी मिल जाते हैं. हर किस्म का ये मार्केट में आराम से आपको मिल जाता है ये वाला, ठीक है ना. ये वाले आराम से मिलते हैं, आप रोल पड़ी हुई है. हाउएवर ये वाला, आई थिंक ऑफ ऑल द वंस दैट आई हैव बॉट, दिस हैज बीन द मोस्ट एक्सपेंसिव वन. आई थिंक मे बी इज आइदर 24 dirhams या 34 dirhams, आई एम नॉट टू श्योर. लेकिन ये मैं आपको बता नहीं सकती, ये चमड़ी उधेड़ देती है आपकी. ये इतनी लश ग्लू है, लाइक विद इन सेकेंड्स ये ड्राई होती है और इतना पावरफुल ये जोड़ बनाती है, आपकी सोच होगी. तो मुझे, हाँ, पार्टी है, स्पेशल ओकेजन है, या सुबह से रात तक आपको चाहिए ना कोई पक्का काम, तो फिर आपने ये यूज़ करना है. रेगुलर थोड़े आवर्स के लिए यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दीस, सब चलता है, सब सही है. अच्छा, ये लैश ग्लू जो है ना, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड. अच्छा, ये देखें, मैंने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है. सो बेसिक मार्केट में इस तरह के लाइनर की शक्ल में आते हैं, इसको मैग्नेटिक लैशेस भी, मैग्नेटिक लाइनर भी बोलते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट की तरह इस तरह वो स्टिक कर जाता है और फिर आप हटाते नहीं हो. तो ये आप लोगों ने बेसिकली लाइनर के तौर पर यूज़ करना होता है. द बिगिनर्स भी कर सकते हैं. और एक सेकेंड यार, मैं कैमरे में देख के कर रही थी. अच्छा, ठीक है, ये आपने बेसिकली लाइनर के तौर पे लगाना होता है. मैं किसी दिन आप लोगों को इसका भी डेमो दे दूंगी, यार तो बड़ा मुश्किल का. अच्छा, ठीक है, तो ये देख लें, ये आपने थोड़े सेकंड्स के लिए सूखने के लिए छोड़ना है. ये बेसिकली ब्रांड है रोजबेरी की, तो ये भी बड़ी अच्छी है, रीजनेबल ब्रांड है और प्रोफेशनल ये लोग हैं. ये भी मार्केट में मस्कीन इसको कहेंगे हम ब्रांड, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेड इन यूएई है और रीजनेबल ब्रांड है, तो नॉट मैनी पीपल नो अबाउट इट. अगर है भी तो आपको पता है लोग एक्सपेंसिव के चक्कर में रहते हैं तो नहीं अच्छा रीजनेबल लेते. तो ये देख लें, ये मैंने लगाया हुआ है, ये सूख गया हुआ है. और लेट मी पुल दिस फॉर यू. ये देखें, ये देखें, मैं फोर्स से पुल कर रही हूँ, सही है. ये देखें, ये अनलेस के मैं बहुत ज़्यादा उतारने के लिए करूँगी तो फिर ही होगा. ये चिपकने के लिए, आपने ड्राई होने के लिए सिर्फ छोड़ना होता है, और उसके बाद ये इस तरीके से स्टिक होती है. तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है, एक सेकेंड. तो बेसिकली इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोगों को नई तरीके आते ना, वो आराम से, देखें, इस तरीके से आप लोगों ने लाइनर लगाना है और आपने फिर इसको ऐसे लगा देना होता है, ठीक है. और इस तरफ से ये चीज़ जो है ना, मेरे ख्याल है थोड़ी सी उठी होनी चाहिए थी, ये ड्रूपी आ रही है मेरी आईज़.